माई डियर पाकिस्तानीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्यूअर्स, सुबह से इंतहाई ज़्यादा बोर, आज संडे गुजरा है, अब इस वक्त मगरिब हो रही है यहाँ पे और हम निकले हैं ज़रा कोई पार्क शार्क देखते हैं, थोड़ा रिलैक्स मोड में आते हैं। वैसे बाय द वे दिस इज़ माई न्यू एरिया, रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू दुबई सालिकान ओआसिस फ्रॉम बरदुबई, और आप यकीन करिए बहुत बेहतर एरिया है, बेहतरीन एरिया है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा है बट ओहो हो सुकून। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन ओआसिस विच इज़ सालिकान गेट वन, इसकी एंट्रेंस इतनी खूबसूरत है ना, लेकिन इसकी बैक पर है और शायद मैंने भी वहाँ जाना नहीं। दिस इज़ अ बैंक हेड ऑफिस, RAK कोई बैंक है ये, इतना क्यूट, यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी प्यारी होती हैं। डोमिनोज इन माई एरिया ऑफरिंग अ डिस्काउंट, आपको शायद कैमरे में नजर ना आए लेकिन ये लिखा है कि 80 दिरहम में 2 लार्ज पिज्ज़ा, इसको आज रात में अवेल किया जा सकता है ये डिस्काउंट वैसे है। और क्या है जनाब ये, सलाम नमस्ते, कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, नॉर्मल ये भी कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, चलें आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि वीवा VIVA इज़ द चीपेस्ट स्टोर इन टाउन, मैंने 2-3 दफ़ा विजिट करने के बाद ये चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे हर चीज़ का रेप्लिका है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि चॉकलेट और इनानी चॉकलेट, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही सीन है कि जो आप ढूंढने जाएंगे आपको वो नहीं मिलेगा, हेड एंड शोल्डर की जगह कोई और शैम्पू शेप बिल्कुल वैसी, किटकैट चॉकलेट्स की जगह वही पैकिंग बट चॉकलेट कोई दूसरी, तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत चीप रेट में देते हैं, तो मैं इसको फेल कर चुकी हूँ, वीवा को मेरी तरफ से फेल। और ये है वो ब्यूटीफुल एंट्रेंस, इसकी मैंने भी आपसे बात की थी, सालिकान गेट वन की, सी दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंट्रेंस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और ये अंदर से जाके बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, और ये इसके बिल्कुल सामने एक बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है, क्या बात है, वाओ। दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, अब बिल्डिंग्स बहुत नज़र आ रही हैं, पार्क नज़र नहीं आ रहा है जो हम ढूंढने निकले हुए हैं। ये वो बैंक जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, ब्यूटीफुल बिल्डिंग और बैंक, चलते जाओ चलते जाओ, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पार्क ज़रूर नज़र आ जाएगा। ओह व्हाट आई फाउंड, सी मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, दिस इज़ गोल्डन फोर्क, देखो यार दुबई वाले भी कॉपी कैट हैं, हुसैनाबाद के सिल्वर स्पून को इन्होंने ही कॉपी करके नाम दे दिया है गोल्डन फोर्क, आई विल डेफिनेटली ट्राई, टाइम के बाद मैंने दुबई में ग्रीनरी देखी है, और दूर बच्चों क्रिकेट खेलना है, नाइस। और क्या है यहाँ पे, कितना सुकून है यार, सूथिंग रिलैक्सिंग काम, वाओ। फाइनली आई फाउंड अ लेक, ओह ब्यूटीफुल, यार आप लोग कहते होंगे मैं ये ब्यूटीफुल वर्ड कितना यूज कर रही हूँ लेकिन मेरे मुंह से निकला जा रहा है, मतलब यार हर चीज़ कितनी खूबसूरत है, एक छोटी सी लेक है आर्टिफिशियल ऑब्वियसली क्यूट, अच्छा हमारी तो हमारे यहाँ तो उसको फाउंटेन्स कहा जाता है लेकिन उन्होंने यहाँ पे लेक लिख के लगाया हुआ है, नॉट बैड, हाँ अगर मुझे यहाँ पे कोई पाँव लटका के बैठने दे मज़ा आ जाए मेरा तो। अच्छा जी हेयर कम दैट पार्क जो हमें गूगल मैप बता रहा था जब हमने लिखा था कि पार्क नियर मी, तो ये है वो बेचारा उजड़ा हुआ सा पार्क, लेकिन चले ग्रीनरी नज़र आई है बड़े अरसे के बाद दुबई में, अब मौसम भी रात में कुछ बेहतर हो गया है, मतलब असर के बाद मौसम काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाता है, पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से आप घूमने निकले हैं, मजबूरी नहीं निकलते थे हम ग्रॉसरी करने या कुछ ख़रीदना है, बट अब हम फ्रेश होने के बाद और अब जब हम सेटल डाउन हो गए अपने नए घर में तो अब लिटरली दिल चाहता है कि चलो बंदा कहीं शाम में घूमने फिरने निकले हैं, विजिट करें अच्छे प्लेसेस पे, नाइस बुरा नहीं है, साइकिल लेनी पड़ेगी एक मुझे इंशाल्लाह, प्लीज़ डोंट स्टॉप कैरी ऑन आई एम कमिंग।
ये हम हाईवे की तरफ निकल आए चलते चलते। यहाँ पे हर एरिया हाईवे से ही कनेक्ट होता है जाके। मगरब की अजानें होने लगी हैं और इधर मच्छर भी होता है, सो अब हम डिसाइड करेंगे घर की तरफ वापस चलते हैं। ओ व्हाट भाई, कैमरा कैप्चर, बेचारा राइडर गिर गया। इनकी बहुत टफ लाइफ है यार, इतनी गर्मी में बेचारे ऑन ड्यूटी रहते हैं 24/7। उसको चोट लगी है। कराची की तरह यहाँ भी लोग फ़ौरन हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और आई होप कि सब लॉस ना हुआ हो। गोइंग बैक टू होम। मगरिब हो रही है। ये मैंने बैक हमने ये बैक रास्ता कोई निकाला है शॉर्टकट अपने घर का जाने का, वरना हमें बहुत घूम के आना पड़ता। ये रास्ता मस्जिद की एंट्रेंस से होता हुआ गुजरेगा। वाओ, ये तो हम अपने घर के सामने वाले सोक एक्स्ट्रा मॉल निकल आए। ज़बरदस्त, यहाँ का मेरा दिल्ली के दो तीन चक्कर हैं, दूध डब्लू टी चिकन मक्खन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए जगह का नाम ही सोक एक्सेट्रा है। सॉरी, सोक एक्स्ट्रा है, नॉट एक्सेट्रा। लाइफ में ये बड़ा मसला होता है, जो घना मार देते हैं उसको लेके चलना पड़ता है। ये माशाल्लाह सोक एक्स्ट्रा की जो मस्जिद है हमारे घर के सामने की, उनके लेडीज़ गेट है। यहाँ पे लेडीज़ ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ती हैं माशाल्लाह।